तो हम आ गए हैं नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों यहाँ सीधी से और सिंगरौली से रास्ते से जाते हुए दोस्तों ये पुल पड़ता है, उसी के पास अभी दोस्तों खड़े। और दोस्तों कितना अंदर खुला हुआ है ये आप लोगों को हम दिखाएंगे, और ब्लॉग पे बने रहेंगे दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी अंदर खुला हुआ है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ व्यू है। तो दोस्तों अभी ये जो रास्ता है नेशनल हाईवे रोड, तो दोस्तों ये सीधी सिंगरौली से जाते हुए पड़ता है, तो हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का सीन कितना अंदर जाने पर पड़ता है। तो ये गाइस देख सकते हैं आप लोग, ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, तो यही इसी के अंदर से अपन लोग जाएंगे यहाँ से। और यह कितना अंदर यहाँ पर होल हुआ इसके अंदर और कितना खूबसूरत व्यू है ये आपको दिखाएंगे। चलिए तो दोस्तों ये है बलराम, ये देख सकते हो बैठा हुआ है, अपना बेचारा थक गया है। और दोस्तों लोग बहुत परेशान हो गए हैं, क्योंकि हमारा दोस्तों जो है पैसे का बहुत नुकसान हो गया है दोस्तों, जिस काम कर लिए गए थे वो काम की वजह से दोस्तों बहुत ही हमारा नुकसान हो गया है, लगभग 3000 का दोस्तों नुकसान हो चुका है इनका दोस्तों बलराम का, क्या करें अब। चलिए चलते हैं अभी। ये है नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंडियन रोड दोस्तों, हाईवे रोड है दोस्तों, यहाँ पे यही पे सीधी से रोली पे पड़ती है रास्ता, और इसी के अंदर आप लोग जाने वाले घुसने वाले यहाँ पे ये देख सकते हो, ये चारों तरफ का ये व्यू है यहाँ पर जा रहा था। लाइट का जब लाइट लगी है यार, अच्छा खोली है पहाड़ भाई साहब। नब्बे मीटर 82 मीटर बल्ला, मैंने फोटो खींची यार। हाँ यार 47 मीटर। चलो उतरो। तो दोस्तों ये देख सकते हो हाईवे नेशनल रोड है यहाँ पे, सीधी सरौली जाते हुए यहाँ पे पड़ती है, और जस्ट अभी हम लोग दोस्तों यहीं पर हैं। तो वैसे हम लोग यहाँ पे आए और ये हमारे साथ बलराम है, अभी यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सुंदर सा व्यू है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो कितनी इसमें लागत लगी हुई और कितने साल इसमें कैप के काम चला होगा दोस्तों, पता नहीं। काफ़ी मस्त यहाँ पे लग रहा है, आप लोगों को देखते हो कि चारों तरफ यहाँ का व्यू है, नज़ारा है दोस्तों। ये देख सकते हो ये कितने बड़े बड़े पंखे यहाँ पर लगे हुए हैं, ये क्या काम पे करते हैं पता नहीं। और ये देख सकते हो काफ़ी सुंदर सा व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। ये आप लोग देख सकते हो कितनी कितने यहाँ लाइट लोग, अगर लाइट बंद हो जाती है यहाँ पर काफ़ी अंधेरा हो जाएगा, एकदम काला काला दिखने लगता है जब अंधेरा हो जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे लाइट लगी है तो एकदम देखो पुल टाइप में बढ़िया लग रहा है आपको, और सुंदर सा व्यू है, ब्यूटीफुल सा व्यू है यहाँ पे। चलिए आपको भी यहाँ दिखा दें कि कितने मीटर का है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे है बलराम और जैसे अभी हम लोग आए थे, तो चलिए आपको दिखाएंगे यहाँ का प्यारा सा व्यू। और दोस्तों काफ़ी सालों यहाँ पर काम चला हुआ है इस पुल पर, और यहाँ दोस्तों हम जा रहे थे अविनाश तिवारी भैया के यहाँ पर, तो अविनाश तिवारी भैया हमको दोस्तों नहीं मिले हैं, उनके पापा भी मिले थे, हम लोग ब्लॉग नहीं शूट किए क्योंकि उनको अविनाश तिवारी नहीं थे, हमारा दोस्तों मूड ख़राब इसलिए हम लोग नहीं ब्लॉग शूट किए, हमारा पैसा भी गिर गया दोस्तों 3000 रुपये, वो भी मूड ख़राब हो गया। और तो दोस्तों क्या होता कि अब क्या करें, अब जो हो गया तो हो गया, इसलिए हम सोचें कि अब रहने दीजिए, अब क्या है कि जा रहे थे तो इसी गुजर रहे थे, इसलिए हम सोचें कि चलो ब्लॉग ही बना लेते हैं, तो इसलिए हम आए गए ब्लॉग। और दोस्तों कितना लंबा पुल यहाँ पर इसकी खुदाई हुई है, चलो आपको दिखाएंगे, अभी तो जस्ट हम ही आपको दिखाते हैं कितना है, 147 मीटर। ये देखो, ये देख सकते हो 68 मीटर इधर से और 147 मीटर इधर से, अभी आ गए हम लोग और जस्ट दिखाएंगे कितना पुल लंबा है, आपको दिखाएंगे है ना, ब्लॉग पे बने रहिएगा, काफ़ी सुंदर सा व्यू है। यहाँ पे देख सकते हो रीवा सीधी टनल पे हम लोग खड़े हुए हैं, देख सकते हो ये व्यू है यहाँ पे, ये तो गाइस आप लोगों ने देखा रीवा सीधी का टनल, और दोस्तों ये रास्ता जो है सीधी सिंगरौली जाते हुए दोस्तों पड़ती है ये टनल, तो आपने देखा कितना अच्छा लगा है, और आज भी हम दिखाते रहेंगे आपको, आप लोग भी बने रहेगा, और गुलाम भी अपना ब्लॉग शुरू कर, चले चलते हैं आगे की तरफ। और यहाँ का जो ये देखो अपना तिरंगा जो है देश के, ये कैसे लहरा रहा है, ये हमारे देश का तिरंगा इतना बड़ा है।
और दोस्तों ये देख सकते हो जो पानी तरह दिख रहा है क्या है दोस्तों, ये है सौर ऊर्जा। तो देख सकते हो कितने यहाँ पर सौर ऊर्जा लगा हुआ है, इसे करंट बनाया जाता है और लाइट दिया जाता है। ये देख सकते हो आप लोग यहाँ से कितना कितना बड़ा लगा है। और दोस्तों ये है पावर ग्रिड यहाँ पे। चलो आप लोगों ने देखा कितना सारा सौर ऊर्जा लगा, कम से कम 500 एकड़ में दोस्तों ये लगा है सौर ऊर्जा। और हम लोगों ने देखा, काफ़ी हमें अजीब लगा कि किस तरीके से यहाँ बिजली बनाई जाती है। तो काफ़ी शानदार दोस्तों यहाँ पर तरीके से बिजली को उत्पन्न किया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों पावर ग्रिड के भी ऐसे पावर है दोस्तों, यहाँ पर कितने तरीकों से बिजली दिया जाता है। यहाँ पे रीवा और सीधी सिंगरौली की दोस्तों यहाँ की लाइट जाती है। तो प्लीज़ ब्लॉग पर बने रहिएगा और चलिए आगे की तरफ दिखाते हैं। दोस्तों आपकी ब्लॉग में भी दिखा रहे हैं लोग, ये सौर ऊर्जा है जहाँ से लाइट बनती है दोस्तों, और यहाँ ये रीवा की लाइट बनती है और एक पावर हाउस प्लांट है दिखाई दे रहे हैं। तो ये देख सकते हो ये चाय पी रहा है बलराम, वो तो बहुत तेज़ ठंडी लगी इसलिए चाय पी रहा है।